ये सेनचान और चो बाहर कर क्या रहे हैं? इतना ज्यादा शोर क्यों आ रहा है? मुझे जाकर देखना होगा बाहर। रोज रोज मुझे इन लोगों के पंगे देखने पड़ते हैं, जाकर अभी देखता हूँ। अरे चुप, क्यों तेरे को डर लग रहा है क्या? यहाँ से जंप नहीं हो पाएगा ना तेरे से। देखना सेनचान नोहारा कैसे जंप करेगा यहाँ से, सीधा का सीधा स्विमिंग पूल के अंदर। और तेरे से तो डरपोक कहीं के जंप ही नहीं हो रहा स्विमिंग पूल के अंदर। मैं डरने वाला नहीं हूँ। पहले सेनचान मैंने बोला ना, पहले जाकर तुझे जंप करनी होगी। अगर तूने जंप कर दी ना, फिर मैं भी जंप करूंगा। इसलिए फर्स्ट ट्राई तेरे को करनी होगी। अगर तू बच गया तो पीछे मैं भी आ जाऊंगा। अरे गाइस, आप लोग लिखो जल्दी से सेनचान ओपी, तो मैं यहाँ से जंप करने वाला हूँ। 1 2 3 एंड गो। अरे वाह, क्या ही मजेदार स्विमिंग पूल के अंदर सीधा जंप हुई, मजा ही आ गया। ठंडा ठंडा पानी। अरे चुप, आ जा जल्दी से। सेनचान ने तो जंप कर लिया। वाकई सेनचान तो काफी ज्यादा ओपी निकला। मेरे को तो डर लग रहा था, अब मेरे को भी जंप करनी होगी। जल्दी से चलता हूँ। अरे डर की वजह से ना टांगे भी कांप रही है मेरी। ओके, मैं यहाँ से जंप करता हूँ। ओके 1 2 3 एंड गो। ओके, सीधा पानी के अंदर। अरे वाह, ऐसे करने में तो अलग ही मजा है। सेनचान मजा आ गया मेरे को। सेनचान और चॉप, तुम दोनों ने इतना ज्यादा शोर क्यों मचा कर रखा है? पूरे मोहल्ले को सर पे उठा कर रखा है तुम दोनों ने। अरे तुम दोनों कर क्या रहे हो? और ये छत के ऊपर क्या लगा रखा है? फ्रैंकलिन भैया, यहाँ से हम लोग स्विमिंग पूल के अंदर जंप कर रहे हैं। कितना ही ज्यादा मजा आ रहा है। पहले छत के ऊपर जाते हैं और फिर सीधा जंप करते हैं स्विमिंग पूल के अंदर। फ्रैंकलिन भैया, मुझे तो पक्का पता है आपसे ये हो नहीं पाएगा। आप कितने ही ज्यादा डरपोक हो, ये तो सबको ही पता है। क्या सेनचान, तू मेरे को चैलेंज कर रहा है? तू कह रहा है कि मैं छत के ऊपर जाऊं और उस जगह से सीधा जंप करूं स्विमिंग पूल के अंदर मैं भी? हाँ फ्रैंकलिन भैया, ऐसा ही समझ लो, पर आपसे तो ऐसा होगा नहीं। मुझे लगता है फ्रैंकलिन भैया की ना पैंट गीली हो जानी है, जब ऊपर जाकर नीचे स्विमिंग पूल में देखेंगे तो। अरे फ्रैंकलिन भैया, आपसे नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, क्या फ्रैंकलिन भैया कर लेंगे कि नहीं? कमेंट सेक्शन में यस लिखो, अगर नहीं तो नो लिखो। ओके गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में यस ही लिखना, ताकि इन लोगों को मैं प्रूव तो कर पाऊँ कि आप सब लोग भी मेरे साथ हो। ओके, मैं जाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ से भागकर जाना होगा और सीधा छत पर जाकर ना वहाँ से जंप करता हूँ। सेनचान और चॉप ने मुझे चैलेंज दिया है और उन्हें पता नहीं है मैं इस चैलेंज को पूरा करके ही रहूंगा। ओके, छत के ऊपर तो आ चुका हूँ। यहाँ से जाना होगा, सामने देखना होगा। अभी वाकई में काफी ज्यादा डर लग रहा है। छत के ऊपर से सीधा जंप करना स्विमिंग पूल के अंदर, ये तो काफी खतरनाक है। अगर जरा सा भी पाँव पिछला, वे बचाओ। अरे ये क्या हो गया? अरे अभी तो मैं सोच ही रहा था सीधा छत से इस फ्लोर के ऊपर गिरा। अरे टांग टूट गई मेरी। अरे वाह, मजा आ गया। फ्रैंकलिन भैया से भी ये नहीं हो पाया। फ्रैंकलिन भैया भी नूब ही निकले। मुझे लगता है गाइस, आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में नो ही लिखा होगा, इसलिए फ्रैंकलिन भैया से ये हो नहीं पाया। अबे यार, हालत टाइट होगी, पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा है मेरा। एक मिनट, ये क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ, ये कौन है? अबे ये तो हल्क है। अरे ये हल्क क्या कर रहा है? अबे हल्क देख, मेरी बहुत बुरी हालत होगी। सेनचान और चॉप ने किया मेरी ऐसी हालत। अरे अच्छा भला मैं अंदर था, मुझे क्या पता ये दोनों मुझे चैलेंज देके मेरा ये ऐसा हाल करने वाले हैं। फ्रैंकलिन, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इतने ही ज्यादा कमजोर कैसे हो सकते हो। देखो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे पास भी बहुत सारे सुपर हीरो के सूटर पावर आ जाएगी। तुम्हें क्या करना होगा, ये देख सकते हो, ये है फ्यूजन सूट स्टोर। यहाँ पर बहुत सारे सुपर हीरो के सूट है, पर तुम्हें इनमें से एक एक करके सुपर हीरो के सूट को कलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर ये नहीं पता कि इस सूट स्टोर के अंदर तुम्हें कौन से सूट मिलेंगे, पर ये सारे सूट सुपर हीरो के सूट है। और जब तुम ये सारे सूट कलेक्ट कर लोगे तो तुम्हें इन्हें फ्यूजन करके एक खतरनाक सुपर हीरो का सूट बनाना होगा। देखो, पहले सूट की शुरुआत तो मैं करता हूँ। मैं तुम्हें अपना एक हल्का सूट दूंगा, वो सूट पहनने के बाद ही तुम खुद को पावरफुल बना सकते हो और इन सारे सुपर हीरो के सूट को कलेक्ट करने के बाद फ्यूजन कर सकते हो। तो रेडी हो जाओ, मुझे लगता है तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए। ओके ठीक है, मुझे लगता है यही ठीक रहेगा गाइस, क्योंकि अपनी हालत बहुत ज्यादा खराब है। हो सकता है मैं सुपर हीरो का सूट पहनने के बाद एकदम यस हो जाऊं। ठीक है हल्क, फिर मुझे ना अपना वो हल्क का सूट दे दे। ठीक है, फिर रेडी हो जाओ, ये सूट मैं तुम्हें देने वाला हूँ। सेनचान और चॉप, तुम दोनों से तो मैं वापसी में निपट लूंगा। ठीक है, ये सूट मुझे दे दे।
ओके गाइस, मेरे पास भी हल्क जैसा सूट आ चुका है और अब मेरे को जाना होगा इस फ्यूजन स्टोर के अंदर और एक एक करके सूट बाय करने होंगे मुझे। ठीक है हल्क, मैं यहाँ से चलता हूँ क्योंकि मुझे इन सूट को बाय करने के लिए पैसे चाहिए होंगे, तभी तो मैं नेक्स्ट सूट को बाय कर पाऊंगा। अब मेरे को जाना होगा। ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम जैसे ही अगले सूट को अनलॉक करोगे तुम्हें जल्दी से जाकर उस सूट को पहन लेना है। ओके ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा, भाग कर जा रहा हूँ मैं। ओके मुझे एक चीज चेक करनी है, मुझे चेक करना इस हल्के सूट के अंदर पावर है भी के नहीं। भाग कर चलता हूँ। अरे क्या स्पीड से भाग रहा हूँ मैं। फाइनली थैंक गॉड, इस हल्के सूट के अंदर मुझे पावर मिल गई। देख सकते हो कितना ही लॉन्ग जंप किया और सीधा सीढ़ी की तरफ पहुँच चुका हूँ मैं। अरे मजा ही आ गया, मेरे को यहाँ से भाग कर जाना होगा। क्या ही स्पीड से जा रहा हूँ, यहाँ से जाना होगा। एक मिनट, ये क्या देख रहा हूँ, अरे ये सामने की तरफ इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी हुई है। अरे इन लोगों को हो क्या गया है, मुझे जाकर देखना होगा। अरे तुम लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों नजर आ रहे हो, हुआ क्या है इस जगह पे। एक मिनट भाई साहब, ये क्या देख रहा हूँ, देखो प्लीज बचा लो, तुम ही बचा सकते हो। उस साहब ने बस के अंदर मेरा बच्चा है, अगर वो मेरा बच्चा यहाँ पर मारा गया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। प्लीज वो बस गिरने वाली है, देख सकते हो सामने, ये स्कूल की बस है और यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया इस बस का। अरे मुझे लगता है ना इस बस के अंदर बच्चे सेव हैं और ये बस तो उल्टी हो चुकी है और यहाँ से गिरने वाली है। मुझे कुछ भी करके ना इसे बचाना होगा, जल्दी से मैं भाग कर चलता हूँ। ओके ऊपर वाली साइड पर तो मैं आ चुका हूँ, मेरे पास पावर है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है और मैं इस वाली बस को उठा लेता हूँ। ओके उठा लिया और जल्दी से इस बस को लेकर जाना होगा नीचे। ओके मुझे इस बस को ना नीचे रखना होगा। फाइनली इस बस का मैंने नीचे रख दिया आराम से और ये सारे सेव हो चुके हैं। फाइनली बचा लिया मैंने इन सारे बच्चों को। हल्क सुपर हीरो के होते हुए ये बच्चे कैसे गिर सकते थे। मुझे यहाँ से जाना होगा। ओके ये सारे बच्चे सेव हैं यहाँ पर। अरे थैंक यू थो मच हल्क अंकल, आपने हमें बता लिया। हल्क तो मेरा फेवरेट सुपर हीरो है। थैंक यू थो मच। थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से ही मेरे बच्चा बच पाया है और बहुत सारे लोगों के बच्चे भी। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर पाएंगे। देखो ये बस मेरी ही है, अगर ये बस यहाँ से गिर जाती तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाता और साथ में ये सारे बच्चे भी मारे जाते। देखो हल्क तुमने हमारी मदद की है, इसका इनाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा। ये लो $1,00,000, ये $1,00,000 तुम रख लो, ये जरूर तुम्हारे काम आएंगे। मुझे पता है ये काफी ज्यादा कम है पर तुमने हमारी मदद की है, इसे इनाम के तौर पर रख लो। ओके थैंक यू सो मच गाइस, फाइनली पहला काम करने से ही मेरे को $1,00,000 मिल गए। अब मेरे को भाग कर जाना होगा क्योंकि मेरे को ओपन करना है सुपर हीरो का फ्यूजन सूट स्टोर और उसके अंदर देखता हूँ कि $1,00,000 का मेरे को कौन से सुपर हीरो का सूट मिलता है। ओके इस जगह पर आ चुका हूँ, मेरे को ओपन करना होगा ये सूट स्टोर। ओपन कर लिया, ये रहा $1,00,000 का सूट, करता हूँ क्लिक एंड बाय। ओके गाइस, ये तो मेरे को कैप्टन अमेरिका का सूट मिल चुका है। यस गाइस, अब मजा आएगा ना, कैप्टन अमेरिका के पास थोर का हैमर है, थोर जैसी पावर। जल्दी से मेरे को जाना होगा क्योंकि मेरे को और भी पैसे कलेक्ट करने हैं ताकि मैं नेक्स्ट सुपर हीरो का सूट कलेक्ट कर पाऊँ। भाग कर चलते हैं, क्या ही स्पीड से भाग रहा हूँ मैं। ओके मुझे फ्लाई करना होगा, थोर के इस हैमर ने मुझे फ्लाई करवा दिया। ओके क्या स्पीड से जा रहा हूँ मैं। फाइनली मेरे को देखना होगा, जल्दी से चलता हूँ, नीचे उतरना होगा। ये क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ, अभी साइड पर मुझे लगता है कोई चैलेंज वगैरह रखा गया है। ये कैसा चैलेंज होने वाला है, मुझे जाकर पता करना होगा इन लोगों से। आई थिंक ये बोट रेसिंग चैलेंज है। गाइस काफी टाइम हो गया अब मैंने बोट रेसिंग चैलेंज नहीं किया। फाइनली इस चैलेंज को अगर मैं जीत जाता हूँ तो ये इनाम भी मिल सकता है। देखो मैं भी इस चैलेंज को खेलना चाहता हूँ, मुझे भी खेलना है ये बोट रेसिंग चैलेंज। बस मुझे रूल जानने हैं इस चैलेंज के बारे में। देखो तुम इस चैलेंज को खेल सकते हो, सिंपल से रूल है, तुम इस चैलेंज को जीत जाते हो तो तुम्हें मिलेंगे पूरे $500,000 और अगर हार गए तो तुम्हें $1,000,000 चुकाने होंगे। ओके ठीक है मैं समझ चुका हूँ, मुझे लगता है वो सामने की तरफ प्रोफेशनल बोट रेसर है, मुझे उनके पास जाकर रेस करनी होगी। ओके जल्दी से चलता हूँ और इन बोट के अंदर ये दोनों तो बैठ चुके हैं, मुझे भी बैठना होगा। ये क्या, इन दोनों ने तो काफी स्पीड से बोट भगाई है। अबे रुक जाओ, ये क्या, एक तो रुक चुका है और दूसरा आगे जा रहा है। अरे
फाइनली ये भी रुक चुका है, इससे भी संभालने नहीं हुई। अरे ये कैसे बोट रेसर है जिनसे बोट ही नहीं संभालने हो रही। मुझे आगे जाना होगा, हो सकता है ना ये मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि इन लोगों की बोट देखकर मैं भी रुक जाऊं और फिर ये मुझसे आगे निकल जाए। बोट को संभाल कर लेकर जाना होगा, फिनिश पॉइंट काफी ज्यादा आगे हो सकता है। ओके जा रही है अपनी बोट, स्पीड से लेकर जा रहा हूँ मैं। फाइनली यहाँ से मुड़ना होगा और ये क्या सामने की तरफ मुझे नजर आ रहा है, सामने की तरफ ये फिनिश पॉइंट, जल्दी से जाना होगा। 1 2 3 एंड गो। ओके 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया। अब मेरे को जाना होगा, अभी तक वो बोट रेसर पहुंचे नहीं है। ओके फाइनली मैं वापस पहुंच चुका हूँ और ये चैलेंज मैंने जीत लिया है। और ये बोट रेसर तो सामने की तरफ है क्योंकि ये हार चुके हैं। अब मुझे ये पैसे कलेक्ट करने होंगे तो मैं इन्हें उठा लेता हूँ। बहुत अच्छे, तुम तो काफी खतरनाक निकले। मुझे लगता है तुम रियल सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका हो, इसीलिए तो तुमने ये इम्पोसिबल चैलेंज को पॉसिबल बना दिया। बाकी ये $5,00,000 तुम्हें ही मिलते हैं, तुम कलेक्ट करके लेकर जा सकती हो इन्हें। ओके मैं कौन सा छोड़ने वाला था, इन पैसों को कलेक्ट कर लेता हूँ। फाइनली मेरे अकाउंट में आ चुके हैं $5,00,000। अब यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरे को ओपन करना है फ्यूजन सूट स्टोर। ओके पहुंच चुका हूँ, ये ओपन कर लिया। अब देखता हूँ $5,00,000 का नेक्स्ट कौन से सुपर हीरो का सूट मिलता है। ये रहा $5,00,000 का सूट, करता हूँ क्लिक एंड बाय। ओके गाइस देख सकते हो कितना ही ज्यादा अमेजिंग सूट मिला है, ये है थोर का सूट। यस गाइस मेरे को सुपर हीरो थोर का सूट मिला है और ये काफी अमेजिंग है। मेरे को यहाँ से फ्लाई करके जाना होगा, क्या ही खतरनाक तरीके से फ्लाई करके जा रहा हूँ। ओके यहाँ पर लैंड करवाया खुद को और भाग कर जाना होगा, इस सूट के अंदर भी काफी पावर है। लेकिन अब मेरे को अगर नेक्स्ट सुपर हीरो का सूट बाय करना है तो मेरे को पूरे $1,000,000 चाहिए होंगे। ओके भाग कर तो जा रहा हूँ। एक मिनट, ये क्या देख रहा हूँ इस साइड पर, ये क्या चल रहा है? मुझे लगता है ये गैंग वाले हैं और यहाँ पर इन लोगों की डील हो रही है। मुझे छुप कर सुनना पड़ेगा, हो सकता है यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाए मुझे। देखा बस, आपने तो बोला था जितना भी सिटी के अंदर गोल्ड है वो चिरा कर लाना है और ये गोल्ड मैं चिरा कर ले आया हूँ। अब इस गोल्ड का क्या करना है मुझे नहीं पता, आप बताओ के क्या करना है? शायद तुम्हें पता नहीं है ये गोल्ड हमारे लिए कितना ही ज्यादा कीमती है। इस गोल्ड के बदले मैं वो चीजें खरीदूंगा जिसका मुझे अपनी गैंग के लिए जरूरत है। यस ये सारा वेपन, वो खतरनाक बॉम्ब जिससे हम लोग की सिटी में ब्लास्ट करेंगे, वो सारे के सारे मुझे चाहिए होंगे। तो ये गोल्ड ले जाओ, जहाँ जहाँ से जो कुछ मिलता है उठा कर ले आओ, मुझे वेपन और खतरनाक किस्म के मिसाइल और बम ब्लास्ट चाहिए। गाइस ये तो खतरनाक गैंग वाले हैं, इस सिटी को तबाह करना चाहते हैं। लगता है मुझे अपनी पावर शो करवानी होगी, जल्दी से फ्लाई कर लेता हूँ। मेरे पास ये हैमर है और इसके अंदर एक खतरनाक पावर है जिसे मैं सबको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके इसे सिलेक्ट किया, ये फिर दूसरे को सिलेक्ट किया, ये तीसरे को और ये चौथे को। ओके 5 और 6 7 अबे 8 9 10 11 12 13। अरे ये 13 के 13 है। और रेडियो ना आप लोग, मैं इन पर ये हैमर फेंकने वाला हूँ। 1 2 3 एंड गो। ओके क्या स्पीड से हैमर फेंका और सारे के सारे मारे जा चुके हैं। गाइस कुछ ही सेकंड की देर लगी और इन लोगों की ये वैन भी मैं ब्लास्ट कर देता हूँ। ओके क्या एक खतरनाक किस्म की लाइटिंग स्ट्राइक थी और सारी की सारी वैन ब्लास्ट हो चुकी है। ओके मुझे सारा गोल्ड और ये पैसे कलेक्ट करने होंगे, तो रेडियो ना गाइस आप लोग मेरे साथ इन पैसों को कलेक्ट कर लेता हूँ और साथ में इस गोल्ड को भी। ओके जल्दी से कलेक्ट कर लिया मैंने और मेरे पास पूरे आ चुके हैं $1,000,000। यस गाइस अब मेरे को $1,000,000 का कौन से सुपर हीरो का सूट मिलेगा ये तो जाकर देखना होगा। ओके मैं बाकरी साइट पर आ चुका हूँ, ओपन कर लेता हूँ सुपर हीरो का फ्यूजन सूट स्टोर। ये रहा $1,000,000 का सूट, करते हैं क्लिक एंड बाय। ओके गाइस मेरे को ये आयरन मैन का सूट मिला है, ये है पूरे $1,000,000 का सूट। यस गाइस कितना ही ज्यादा अमेजिंग सूट है ये। अब मेरे को यहाँ से जाना होगा। ओके जा रहा हूँ और फ्लाई भी कर पा रहा हूँ मैं। कितने खतरनाक किस्म की ना आग निकल रही है गाइस, यानी कि ये खतरनाक किस्म का सूट है जो कि काफी तेज फ्लाई कर पा रहा है। ओके मुझे जाना होगा, यहाँ पर मैं अपनी पावर को टेस्ट कर लेता हूँ, क्या ही पावरफुल। अरे ये ब्लास्ट
ब्लास्ट किया मैंने, पहले तो ये बुलेट फेंकी, उसके बाद ये ब्लास्ट हो रहा है, चारों तरफ आग लगा दी मैंने। मुझे लगता है इतनी तबाही नहीं मचानी चाहिए वरना पुलिस वाले मुझे सुपर हीरो की बजाय सुपर विलन समझना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से जाना होगा, जा रहा हूँ। ये क्या सामने की तरफ एलिवेटर और ये गैंग वाले, मुझे जाकर चेक करना होगा। अबे ये लोग कर क्या रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर कोई बाइक मेगा रैम चैलेंज तो नहीं रखा गया, मुझे इन लोगों से पूछना होगा। अरे चल क्या रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर है बाइक मेगा रैम चैलेंज, अगर तुम इस चैलेंज का जीत जाती हो तो पूरे $10 मिलियन मिलेंगे तुम्हें, लेकिन ये चैलेंज 10 मिनट के अंदर कम्प्लीट करना होगा। ये चैलेंज बाइक के ऊपर होगा और मुख्तलिफ पार्कोर करने होंगे तुम्हें, अगर तुम 10 मिनट के अंदर पहुँच जाती हो फिनिश पॉइंट पर तो तब तुम्हें मिलेंगे $10 मिलियन, वरना हार गए तो $20 मिलियन चुकाने होंगे तुम्हें। अगर इस चैलेंज का खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो तुम, इस एलिवेटर के अंदर जाकर सीधा उस चैलेंज पर पहुंच पाओगे, हमारे बनाया हुआ चैलेंज है जो। ओके ठीक है, मुझे जाना होगा, मैं इस एलिवेटर के अंदर चला जाता हूँ, देखता हूँ ये एलिवेटर मेरे को किस चैलेंज पर लेकर जाता है। ओके गाइस, मैं इस चैलेंज पर तो आ चुका हूँ, कितना ही खतरनाक चैलेंज है ये, और इस साइड पर ढेर सारी बाइक पड़ी हुई है, मुझे इस बाइक को चूज करना होगा। ओके मैं ये येलो वाली बाइक चूज कर लेता हूँ, मुझे अब जाना होगा। यहाँ से गया, ये है रेलवे ट्रैक और सामने की तरफ जंप रखा हुआ है, मुझे इससे जंप करना होगा। सीधा जंप किया और मैं पहुंच चुका हूँ इस रोड पर, यहाँ से भी स्पीड से लेकर जाना होगा, स्पीड से लेकर जा रहा हूँ। ये क्या आगे की तरफ ये प्लान है, मुझे इन प्लान के ऊपर बाइक को करना होगा। ओके रेड वाले प्लान के ऊपर किया, बाइक को लेकर जा रहा हूँ ये दूसरे वाले प्लान के ऊपर, और यहाँ से स्पीड से जाना होगा, ये तीसरे वाले प्लान के ऊपर कर दिया मैंने। ओके यहाँ से अब जाना होगा, मुझे लगता है ना ये खतरनाक जगह काफी ज्यादा। ओके इसे पार किया और ये दूसरी वाली, इसे भी पार किया मैंने, और ये लास्ट है, यहाँ से पार करना होगा, और पार करके सीधा पहुंच चुका हूँ मैं इस जगह पर। ओके आगे की तरफ ये देखो एक पतला सा खतरनाक किस्म का रास्ता है, मुझे इस रास्ते से जाना होगा और सीधा कंटेनर के अंदर घुस चुका हूँ मैं। ओके जा रहा हूँ, यहाँ से जाना होगा, जा रहा हूँ मैं, और ये खतरनाक किस्म का रास्ता, मुड़ा मुड़ा मुड़ा। ओके यहाँ से भी मुड़ना होगा, मुड़ के जा रहा हूँ, ये क्या देख रहा हूँ उसकी रैम की सीधा, और इस वाले टनल के अंदर पहुंच चुका हूँ, यहाँ से भी जाना होगा गे गे गे, और सीधा इस वाली रोड के ऊपर बाइक को भगा कर लेकर आया, यहाँ से मुड़ना होगा, मुड़ना होगा, और सीधा पहुंचा इस वाली रोड के ऊपर। अरे क्या ही मजेदार चैलेंज रखा गया है, मैं एक बार भी नहीं गिरा, इस चैलेंज को आसानी से पार कर रहा हूँ। सामने की तरफ फिर से रैंप है, रैंप की यहाँ पहुंचा, बाइक टकरी और सीधा यहाँ पे, और सीधा इस वाली जगह पर। आगे की तरफ ये विंड फैन लगे हुए हैं, इनसे बचना होगा। ओके इससे बचा और ये अगला विंड फैन, इससे भी बच निकलाओ। यहाँ से जाना होगा और सीधा रोड के ऊपर, यहाँ से भी आगे की तरफ ये रैंप है, तेजी से गया और रैंप की बाइक हवा के अंदर, और ये ऊपर वाली साइड से मैं गया, यहाँ से नीचे गई बाइक और सीधा। अबे ये क्या गिर चुका हूँ, थैंक गॉड इस रैंप के ऊपर ही गिरा, वरना नीचे गिरता तो एलिमिनेट कर दिया जाता। अब बाइक को उठाना होगा, बाइक को उठाया और भगाया सीधा इस वाली जगह से रैंप की मैंने, और रैंप करके सीधा इस वाले टनल के अंदर घुस चुका हूँ। अभी यहाँ से भी बाइक को लेकर जाना होगा, पहले वाले से बचा और सेकंड वाले से भी बचना होगा। ओके ये तीसरे नंबर वाला, इससे भी बचा, और ये लास्ट है। ओके इससे भी बच निकला हूँ मैं, और सीधा रोड से जाना होगा, यहाँ पर लैंड करवाया अपनी बाइक को। पर ये देख क्या रहा हूँ मैं, अभी आगे मुझे इन ट्रक के ऊपर जाना होगा। ओके जल्दी से ना मैं इस वाले ट्रक को चूज कर लेता हूँ, इस वाले ट्रक को चूज किया। आगे ये पतला सा रास्ता और काफी खतरनाक रास्ता भी है, अगर यहाँ से ये ना कर पाया ना तो समझो सीधा एलिमिनेट हो जाऊंगा और मुझे $10 मिलियन नहीं मिलेंगे बस। ओके गया और यहाँ से गया, सीधा ब्रेक मारी मैंने, फाइनली इस रास्ते को और बसेस को कैसे पार किया मैंने इस ट्रक से, देख लिया ना आप लोगों ने। यहाँ से ट्रक को घुमाना होगा, घुमाया घुमाया लेकर जा रहा हूँ, और ये पतला सा रास्ता, मुझे इस पतले से रास्ते के ऊपर ट्रक को करना होगा। ओके ये क्या ट्रक तो यहाँ पर गिर चुका है, एक काम कर सकता हूँ, इस ट्रक के अंदर बूस्टर भी लगा हुआ है, वो दबाया। ओके एक बूस्टर ने मेरा साथ दे दिया, यहाँ से सीधा इस वाले टनल के अंदर घुस चुका हूँ। 10 मिनट का टाइम दिया गया था, आई थिंक मैं पहले ही पूरा कर लूंगा। सीधा यहाँ से नीचे जा रहा है ट्रक, और ब्रेक मारनी होगी मुझे। ओके ब्रेक मारी और मैंने कंट्रोल कर लिया इस ट्रक को, जा रहा हूँ आगे की तरफ, तो फिनिश पॉइंट मुझे नजदीक ही नजर आ
आ रहा है। यहाँ से ये लगे हुए बूस्टर, इस बूस्टर से भगाया ट्रक को और आगे की तरफ विंड फैन, बचना होगा। ओके बच निकला, मैं जा रहा हूँ गया, और यहाँ से ट्रक बूस्ट हुआ और सीधा पहुंच चुका हूँ मैं फिनिश पॉइंट पर। ये पड़े हुए पूरे $10 मिलियन मुझे उतर कर कलेक्ट करना होगा इन पैसों को। ओके सारे के सारे पैसे मैंने कलेक्ट कर लिए, अब मेरे पास आ चुके पूरे $10 मिलियन। तो गाइज मुझे ओपन करना होगा सुपर हीरो का फ्यूजन सूट स्टोर। ओके ओपन कर लिया, ये रहा $10 मिलियन का सूट, करता हूँ क्लिक एंड बाय। ये क्या देख रहा हूँ, मेरे को ये वैनम का सूट मिला है $10 मिलियन का। अब मेरे को जाना होगा उस जगह पर जहाँ पर मैं इन सारे सूट को फ्यूजन कर सकता हूँ आपस में। यस गाइस, इन सारे सूट को ना कंबाइन करना होगा मुझे, और कंबाइन करने के लिए एक मशीन है जिसका पता है, वो मशीन है एयरपोर्ट वाली साइड पे, और मुझे जाकर जल्दी से ना इन सारे सूट का फ्यूजन करना होगा। ओके फ्लाई करके पहुँचता हूँ एयरपोर्ट वाली साइड पर मैं। ओके गाइस फ्लाई करके तो मैं एयरपोर्ट वाली साइड पर आ चुका हूँ, और वो सामने की तरफ ही है जो मशीन है। अब मुझे क्या करना होगा ना, इस मशीन के अंदर जाना होगा। तो आप लोग रेडियो ना, देखता हूँ कि कौन सा सूट मिलता है मेरे को। ओके 1 2 3 एंड गो। फाइनली ये देख सकते हो कितना ये बड़ा जेंट सूट है ये, और कितना खतरनाक किस्म का व्हाइट किंग कॉन्ग बन चुका हूँ मैं। इन सारे सुपर हीरो के सूट को कम्बाइन करने के बाद मेरे को ये व्हाइट किंग कॉन्ग का सूट मिला है, जिससे मैं इन सारे सूट की पावर को यूज कर सकता हूँ, हल्की पावर को, कैप्टन अमेरिका, थोर, आयरन मैन और वैनम की पावर को भी। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।